अकोला 24 न्यूज़, एक कदम भ्रष्टाचार के खिलाफ। धार्मिक नफरत फैलाने वालों के खिलाफ कड़ा कानून बनाने की मांग। बासिटा गली के मुस्लिम समाजजनों ने राष्ट्रपति को ज्ञापन देकर की मांग। हाल ही में यदि आनंद सरस्वती कार्यक्रम के दौरान मुस्लिम धर्म के संस्थापक मोहम्मद पैगंबर साहब के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने के साथ ही मुस्लिम धर्म के पवित्र धर्म ग्रंथ कुरान के संबंध में आपत्तिजनक बयान देकर धार्मिक नफरत निर्माण करते हुए सामाजिक शांति बाधित की है। इस कारण यति नरसिंहानंद के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करते हुए धार्मिक नफरत फैलाने वालों के खिलाफ कड़ा कानून बनाने की मांग को लेकर 7 अक्टूबर को बारसिटा कली तालुका के सभी राजनीतिक पार्टियों के मुस्लिम नेता एवं शहर के मुस्लिम नौजवानों की ओर से तहसीलदार राजेश वजीरे के माध्यम से भारत के महामहिम राष्ट्रपति को एक ज्ञापन भेजा गया। ज्ञापन में अवगत कराया गया कि भारत देश में सभी जाति धर्म के लोग शांति और सद्भाव के साथ रहते हैं, लेकिन कुछ समाज कंटक जानबूझकर विवादित बयान देते हुए समाज में नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। गत 29 सितंबर को यति नरसिंहानंद सरस्वती महाराज ने हिंदी भवन गाजियाबाद में एक कार्यक्रम के दौरान मुस्लिम धर्म के संस्थापक मोहम्मद पैगंबर साहब को लेकर अभद्र टिप्पणी की, जिससे मुस्लिम समाज की भावनाओं को गहरी ठेस पहुंची है। मुस्लिम धर्म के पवित्र धर्म ग्रंथ कुरान को लेकर भी आपत्तिजनक बयान देकर तथा चित्रीकरण कर जानबूझकर समाज में नफरत फैलाते हुए जातीय फसाद बरपा कर वित्त एवं जन हानि के उद्देश्य से ऐसा घिनौना कृत्य किया जा रहा है। ऐसा जहरीला बयान देकर राष्ट्रीय एकात्मता एवं सुरक्षा को खतरे में पहुंचाया गया है। गत 16 अगस्त को ही नासिक की सिन्नर तहसील के पंचवाले गांव में आयोजित कार्यक्रम में महंत रामगिरी महाराज ने भी विवादास्पद बयान देकर नफरत फैलाई थी। इसके बाद भाजपा विधायक नीतीश राणे ने मस्जिद में घुसकर मारने की धमकी दी। इन सबके खिलाफ कड़ी कार्रवाई किए जाने के साथ ही ऐसी बयानबाजी के खिलाफ कड़ा कानून बनाने की मांग राष्ट्रपति को भेजे गए ज्ञापन में की गई। ज्ञापन देते हुए समय बारसिटा कली शहर के मुस्लिम समुदाय के लोग बड़ी संख्या में उपस्थित थे। अकोला 24 न्यूज के लिए बारसिटा कली से गुफरान शेख की रिपोर्ट। बारसिटा कली तहसील में तहसीलदार साहब को सर्वपक्षी और सभी मुस्लिम समाज की ओर से और हमारे बौद्ध समाज, ये सब लोगों ने मिलकर आज हमने तहसीलदार साहब को एक निवेदन दिए है कि जो नरसिंह महाराज है उसने हमारे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में जो गुस्ताखी की, इसकी हम तहे दिल से निंदा करते हैं और तहसीलदार साहब को ये निवेदन दिया। तहसीलदार साहब ने हमें आश्वासन दिया क्या वो उसके ऊपर राष्ट्रपति साहब को और महाराष्ट्र गवर्नमेंट सरकार को ये निवेदन हमारा आगे भेजेंगे और इसके ऊपर नरसिंह आनंद के ऊपर और जो भी महाराज लोग हैं जो ऐसे वक्तव्य करते हैं आप सदस्यों के खिलाफ में, तो इसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। और हमने आज हम शांति से सभी समाज के लोगों ने शांति से यहाँ पे निवेदन दिए। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।